सचिव एवं रोजगार सहायक की मिली भगत से ग्राम पंचायत बनखेड़ा में करोड़ों रुपए का घोटाला। रोजगार सहायक जितेंद्र पाल ग्राम पंचायत बनखेड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना पर 20,000 रुपए की मांग करते हैं और वसूली भी करते हैं। सचिव और रोजगार सहायक द्वारा शिकायत करने पर ग्रामीणों को धमकाया जाता है, अगर की शिकायत तो नहीं मिलेगा कोई भी सरकारी कार्य लाभ। खनियादाना जनपद की ग्राम पंचायत बनखेड़ा के सहायक सेक्रेटरी जितेंद्र पाल एवं सचिव कैलाश लोधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना नाम पर गरीब परिवारों से हजारों रुपए लेने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मामला जनपद पंचायत खनियादाना की ग्राम पंचायत बनखेड़ा के सहायक सेक्रेटरी जितेंद्र पाल और सचिव कैलाश लोधी द्वारा लोगों से 10,000 रुपए प्रति आवास पर लिए गए हैं। यहां सरकार गरीब लोगों की सहायता कर रही है, वहीं ग्राम पंचायतों में बैठे सरपंच सेक्रेटरी पूरा पैसा टका रहे हैं। इतना ही नहीं, रोजगार सहायक और सेक्रेटरी द्वारा अगर ग्रामीण शिकायत करने के लिए भी जाते हैं तो सेक्रेटरी द्वारा लोगों को धमकाया जाता है कि आपका कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा अगर शिकायत की गई तो। वहीं असहाय परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रखी है, जिससे जरूरतमंद लोगों को आवास मिल सके। लेकिन ग्राम पंचायतों में असहाय लोग योजना में आवेदन तो कर रहे हैं लेकिन आवास नहीं मिल पा रहा है। आवास मिले तो भी उसमें से आधा हिस्सा रोजगार सहायक और सेक्रेटरी को ही चाहिए। अब देखना यही है कि प्रशासनिक अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। खनियादाना से चंद्रशेखर पुरोहित की रिपोर्ट। आपका नाम? मान सिंह। पूरा नाम बताओ। मान सिंह लोधी। अच्छा, तो क्या आपकी शौचालय आ गया? शौचालय आ गया, बन गया। 2,000 खाओ पोखा। कितने रुपए लिए थे? 2,000। और आपके प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई? क्यों, क्या कहा? हाँ, नहीं आई। क्या क्या है उससे बात की आपने? बात कहा, वो तो पैसे ले रहा हूँ। बात कहे कितने पैसे मांग रहे हैं? 10-10, 20-20 हज़ार रुपए ले रहा हूँ। अगर पैसे नहीं दिए तो कहाँ से आ जाए? और अगर पैसे दे दिए तो आ जाए। अच्छा, और सहायक सेक्रेटरी का नाम क्या है? जितेंद्र पाल। सर, जो ये मामला है सर, जनपद पंचायत सर, ये इधर का बनखेड़ा का है सर। यहाँ पर सर कुछ आवास वगैरह इन पर मांग की गई है पैसों की। सर आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या कार्रवाई रहेगी सर आपकी? मेरे संज्ञान में तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि किसी के रुपए पैसे की मांग की। जी जी सर, की है। अगर मेरे संज्ञान में अगर आप बता रहे हो तो आ रही है, आवास पर भी सर कुछ पैसे लिए जा रहे हैं। इस पर 20-20 हज़ार रुपए की मांग की है ग्रामीणों ने, ये बताया हुआ है, जो कि वीडियो हमने कुछ समय पहले चलाई हुई थी चैनलों पे। चैनलों पे चलाई है आपने वो ठीक है, लेकिन मेरे यहाँ किसी ने ये लिखित में रिपोर्ट वो नहीं की शिकायत, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। अच्छा, आवास स्वीकृत कराने, और ना ही मेरे संज्ञान में। अच्छा अच्छा।